यहाँ आए थे सिंगरौली, बोले थे शिवराज सिंह क्यों रे आदिवासियों पूरे घर में रहता हम पहुँचाएंगे। किसके घर में रहता गया है, कौन दिया है? लाडली बहना बना है तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि कोई पा ही नहीं सकता। ये चौचलेबाजी है, लाडली बहना बना है, आधार कार्ड और समग्र आईडी मांगा है तो किसी के बैंक से वहाँ नहीं है, अभी तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं बनवा पाएंगे, गरीब तो कहाँ पाएंगे। जैसे पिछले 5 वर्ष पहले 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार भी आई थी, फिर सिंधिया जी ने पाला बदल लिया, सिंधिया जी बीजेपी में चले गए और सरकार कांग्रेस की गिर गई, तो इस 18 महीने की सरकार में और बीजेपी की वर्तमान सरकार में कितना फर्क रहा या उन्होंने उनका काम था? देखिए ये तो सब बिक गए सिंधिया लोग, पैसे ले लिए है ना, इनको तो पहली बात तो पब्लिक के सामने खड़े होना उचित नहीं है। भाई हम आपको मतदान किए, मत दिए, कोई पैसे तो नहीं दिए थे है ना, पर अब उनको बिक्री कर दिए, बिक गए विधायक लेके, तो उनको क्या है, अब उनको तो आप पैसे पा गए, अब दोबारा चुनाव में आएंगे तो समझ लेंगे। इस बार किसका देख रहे हैं, किसका बनता है? अभी कोई मूड नहीं है कि किसको बनाएंगे, किसको देंगे, जिसी का बहुमत रहे उसी को दे देंगे। अभी मतलब कुछ तय नहीं हुआ है? नहीं। आप भी इसी गाँव से हैं जी? क्या नाम है आप? मेरा बलदेव सिंह नाम। तो बलदेव जी ये बताइए कि क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा है? हमको तो कुछ नहीं मिला है, लेटरिन रूम मिला है, बाकी आवास नहीं मिला है, मेरा यही दिक्कत है। बाकी मैं यहाँ का सीधी खाम का रहने वाला हूँ, मेरे को तो और चीज़ नहीं मिला, बाथरूम भर मिला मेरे नाम से, बाकी कुछ मेरे को नहीं मिला है। अभी गैस सिलेंडर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है आज तक। घर भी नहीं मिला? घर भी नहीं मिला है। और जमीन आप लोग के पास है रहने की या सरकारी जमीन? 3.5 एकड़ का पट्टेदारा हूँ जी। खेती बाड़ी उसी पे करते हैं? हाँ हो गया, दूसरे को दे देता हूँ, आधा बड़े जोतते हैं, मैं नहीं करता हूँ किसानी। हाँ जी। तो जैसे आवारा पशु जो है तो पूरे मध्य प्रदेश की एक प्रमुख समस्या बन करके सामने आए, तो आपके क्षेत्र में आवारा पशुओं का कितना आतंक है? बहुत है, इसी की वजह से तो बोझ नहीं रहे हैं कोई लोग है, पशु ना होते तो सब किसानी करते, खाते पीते, मौज करते, और क्या बताए साहब। आप लोग ने भी कर्ज लिया था खेती पे? हम लिए थे 1.5 लाख कर्ज लिए थे। तो कमलनाथ सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफी करेंगे, तो माफ किए थे क्या आप लोग? हमारा अभी तो सुनाई नहीं दिया है, मैं 3.5 एकड़ में 1.5 लाख रुपए निकाला था। नहीं तो अब तो सरकार ही बदल गई है, 18 महीने की जो सरकार थी उसकी हम बात करें कि कुछ समझ में आया था कि माफी हुई है आप लोग के क्षेत्रों में भी, किसी की माफी हुई कर्जा माफी? तो अभी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि माफी नहीं जी, और तो मैं और जानता नहीं हूँ आगे बात। और राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड सफेद बना था, वैसा नहीं बना है मेरे पास, सफेद राशन कार्ड बना हुआ है। पानी वगैरह की सुविधाएं क्या है आपके क्षेत्र में? हो गया, नल दिया है, ठीक है, पास में है, घर एक सामने है, और दिक्कत नहीं है साहब, यही है कि माने मेरा कर्ज माफ हो जाता तो अच्छा रहता है। 3.5 एकड़ से मैं लिया हूँ, पट्टा मेरा जमा भी है अभी आज तक, पट्टा भी जमीन का जो तो जमा हुआ है। और जो ये अभी ओला वगैरह पड़े या पाला लगा था फसलों में, तो इसके मुआवजे वगैरह के लिए कोई सर्वे वगैरह हुआ इस क्षेत्र में? नहीं, 2000 मेरे खाता में डालता है हर महीने, ऐसे बात नहीं, वो तो किसान सम्मान निधि के लिए। हाँ जी, हो गया 1000 रुपए साल भर में। हाँ जी, पाला ये जो अरहर में लगा, जो अरहर में पाला लग गया वो नहीं मिला था, सर्वे वगैरह कुछ नहीं हुआ था। और आप भैया कहाँ से है? हम खाम से हैं। खाम से हैं जी। तो आप यहाँ खाम के ही हैं, तो आप लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं। कारण क्या है, सरपंच सेक्रेटरी से आप लोगों ने चर्चा नहीं की? अरे कर रहे हैं, लिखाए पढ़ाए लाई जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है। तो अभी लाडली बहना योजना शुरू हुई है जिसमें महिलाओं के 1000 रुपए देने की घोषणा की गई है, तो उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं गाँव में? भरा जा रहे हैं, सब पब्लिक मर रहे हैं। लाडली बहना बना है तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि कोई पा ही नहीं सकता, ये चौचलेबाजी है। लाडली बहना बना है, आधार कार्ड और समग्र आईडी मांगा है तो किसी के बैंक से वहाँ नहीं है, अभी तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं बनवा पाएंगे, गरीब तो कहाँ पाएंगे। बता रहे हैं परेशान है, समझदार है उसको मिलेगा, अजय नहीं है उसको बेचारे को कोई वैसी कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ, यही तो लगा है। नहीं तो ये तो सरपंच सेक्रेटरी खुद घर घर जा करके करवा रहे हैं। क्या करेंगे, क्या हर जोतने आएंगे?
कुछ न करेंगे, सरपंच ना सेक्रेटरी देख लेना आप, पता लगा लेना कि 100 में 20 पाएंगे, 100 में 20 पाएंगे। ये लाडली बहना, ये चुनाव है सोचलेबाजी, ये दिखा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कमलनाथ कि हम 1500 देंगे हमारा सरकार बनेगा तो, और ये कह रहा है कि हम 1000 देंगे, तो क्या मतलब इसका? यही तो है, यही सुना पब्लिक का पुला पुला वोट ले लेंगे, फिर वो बकरी बार है तो ले लेंगे पब्लिक सिर्फ यही चुनाव तक के लिए। हाँ चुनाव तक के लिए, वही में 100 में 20 है पाएंगे एक आध दो माह, इसके बाद फिर वो भी गई एक दो माह के बाद बंद देख लेना, बंद हो जाएगा। शिवराज सिंह की सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना, सब वो चालू हुआ है कौन दिक्कत नहीं है, विधायक जिसे गुहार भी मारेंगे कौन सुनेगा। तो ठीक है भाई, शिवराज सिंह ठीक है, कमलनाथ ठीक है, नरेंद्र मोदी ठीक है, सब ठीक है। नहीं तो चुनने वाले तो आपे लोग हैं ना, हम लोग तो चुनने वाले हैं, चुने हैं। पर ये थोड़ी कोई अभी जैसे 1000 का लाभ दे रहे हैं ना, यहाँ आए थे सिंगरौली, बोले थे शिवराज सिंह क्यों रे आदिवासियों पूरे घर में रहता हम पहुँचाएंगे, किसके घर में रहता गया है, कौन दिया है, मुंह से भाषण कर ले उचित है, सब आदिवासियों यही शब्द है, बोलने का टेक्निक भी नहीं है, आदिवासियों पूरे घर घर आवास में रेता भिजवाएंगे, किसके घर में गया है रेता, सिंगरौली में उसका मैं वीडियो कहो तो निकलवा देंगे।